नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई 20 मई को कौन सी कंट्रियों से कितनी फ्लाइट आने वाली हैं और कहां कहां से आएंगी, कहां कहां लैंड करेगी, स्टेट भी साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा साथियों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा दें फेसबुक पेज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, 20 मई में जितने फ्लाइटें आ रही हैं तो बता दूँ साथियों, इसमें 7 कंट्रियां को 20 मई को 7 कंट्रियों से फ्लाइट आएगी। 13 फ्लाइटों का शेड्यूल दिया गया है। तो चलिए आगे जानकारी मैं देता हूं आपको। तो साथियों सबसे पहले मैं बता दूं, सऊदी अरबिया से फ्लाइट निकलेगी दमाम से, जो कर्नाटका स्टेट में बेंगलुरु पहुंचेगी। बेंगलुरु जो उनकी राजधानी है वहाँ ये फ्लाइट लैंड करेगी। नेक्स्ट फ्लाइट भी साथियों सऊदी अरबिया से ही है, तेलंगाना, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये 3 ऑप्शन दिए गए। तो हो सकता है भाई इनका कोई शेड्यूल नहीं बना होगा, इस वजह से दिया गया होगा। आगे फिर मैं बात करूँगा, फिर सऊदी जद्दा से एक फ्लाइट है, वो आंध्र प्रदेश के लिए है, विजयवाड़ा, वहाँ पे ये फ्लाइट लैंड करेगी। क्वारंटाइन होंगे जितने बंदे आएंगे वहाँ पे। साथियों फिर सऊदी की फ्लाइट है, तेलंगाना, विजयवाड़ा और हैदराबाद, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप समझ में, अब इसमें हो सकता है ये तीनों के थोड़े थोड़े आएंगे, क्या है मुझे नहीं पता, या तीनों में से एक जगह कोई भी फ्लाइट आ सकती है, इसका मतलब ये हो सकता है। सऊदी रियाद से फिर एक फ्लाइट है साथियों, रियाद से बता दूँ केरला कन्नूर के लिए। तो भाई सऊदी से देख लो कितनी फ्लाइट हो गई, 4-5 फ्लाइट सऊदी से हैं 20 मई को। तो सऊदी से शायद एक ही दिन में सब फ्लाइट पहुंचने का इरादा है, 5 फ्लाइट कम नहीं होती भाई एक दिन के दौरान। आगे हम बात करते हैं साथियों कुवैत से रिलेटेड, कुवैत से फ्लाइट निकलेगी, केरला स्टेट में त्रिवंद्रमपुरम में हवाई अड्डा है, वहाँ पे फ्लाइट लैंड करेगी कुवैत से एक फ्लाइट। आगे नेक्स्ट फ्लाइट है साथियों मस्कत, ओमान, ओमान से जो फ्लाइट निकलेगी वो कर्नाटका है, बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु फ्लाइट लैंड करेगी। आगे साथियों सलाला से फ्लाइट है एक, ओमान सलाला से सेकेंड फ्लाइट है, जो केरला कोचीवाड़े की फ्लाइट है, केरला स्टेट के लिए ही है, यानी ये दोनों फ्लाइटें केरला, एक दो फ्लाइटें केरला के लिए हैं, तीन फ्लाइटें केरला के लिए है, एक बीच में कर्नाटका के लिए है। नेक्स्ट फ्लाइट की बात करें साथियों दोहा कतर से रिलेटेड, दोहा कतर की जो फ्लाइट है ये भी केरला से ही है। नेक्स्ट फ्लाइट है साथियों दोहा कतर केरला कन्नूर, ये फ्लाइट लैंड करेगी कन्नूर हवाई अड्डे पे, ठीक है साथियों। आगे फिर एक फ्लाइट है, वो भी दोहा कतर की है, तेलंगाना से हैदराबाद के लिए जो फ्लाइट है, तेलंगाना हैदराबाद, ये फ्लाइट लैंड करेगी 20 मई को। तीसरी फिर फ्लाइट है साथियों कतर से रिलेटेड है, जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के लिए जो फ्लाइट है वो भी दोहा कतर से ही है, यानी कतर की 3 फ्लाइट हो गई एक दिन के दौरान। आगे हम बात करते हैं साथियों थाईलैंड बैंकॉक थाईलैंड से एक फ्लाइट है, जो दिल्ली लैंड करेगी 20 मई के दौरान। नेक्स्ट फ्लाइट बात करते हैं साथियों जकार्ता इंडोनेशिया से भी एक फ्लाइट है, दिल्ली हवाई अड्डे पे लैंड करेगी 20 मई को। लास्ट में एक फ्लाइट है साथियों कनाडा से भी एक फ्लाइट है, जो है दिल्ली के लिए। तो साथियों ये फ्लाइट मैंने आपको बता दी, फ्लाइट हैं 7 स्टेटों का, इसमें शेड्यूल 7 देशों का इसमें शेड्यूल दिया गया है, 13 फ्लाइटों का शेड्यूल है, 7 कंट्रियों से फ्लाइट आएगी। तो जितनी 20 मई को जो फ्लाइट हैं सबका सब शेड्यूल इसी में है। तो आपका भाई नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से देखिए। शायद वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके, आगे भी मैं इसी तरह के 4-5 वीडियो 23 तारीख तक जितनी फ्लाइटें आने वाली हैं सबका वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जरूर देखिए आगे, ताकि आपके काम का हो सकता है फ्लाइट से रिलेटेड। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि जैसे वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।